हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम दिए गए मैट्रिक्स के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो थ्योरम है कैली हैमिल्टन थ्योरम, उसके कुछ दो इक्वेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला तो 2x2 मैट्रिक्स अगर देके रखा हो आपको, तो उसपे ये वाला इक्वेशन लगा देना, लैम्बडा स्क्वायर माइनस एस वन लैम्बडा प्लस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। और अगर 3x3 मैट्रिक्स दिया हो तो ये थ्योरम का ये वाला इक्वेशन लगा देना, कौन सा, लैम्बडा क्यूब माइनस एस वन लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस टू लैम्बडा माइनस ए मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले हम 2x2 मैट्रिक्स देख लेते हैं ये थ्योरम की हेल्प से कैसे वेरीफाई होता है, और बाद में 3x3 मैट्रिक्स लेके ये थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल लिख के रखा है, क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई हमें, और क्या पूछा है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब हर एक न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे, एक मैट्रिक्स दिया होगा और बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स को वेरीफाई कराओ ये थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, तो कैसे वेरीफाई करें, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, और ये थ्योरम का कौन सा इक्वेशन लगेगा, ये वाला इक्वेशन, तो यही इक्वेशन हमने लिख लिया, इसको बोल देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर 2x2 मैट्रिक्स फॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन तो लिख दिया, अब ये इक्वेशन के अंदर कौन सी चीजें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि लैम्बडा है, लैम्बडा क्या हो गया, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एस वन क्या है, तो एस वन है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, क्या, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स यानी क्या, डायगोनल टर्म का एडिशन, ये जो हमारी डायगोनल टर्म है उसका एडिशन, उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एस वन, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो देके रखा है मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम S1 की वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है, बाद में डिटर्मिनेंट A की वैल्यू ढूंढेंगे और दोनों वैल्यू का आंसर इसमें रख देंगे, ठीक। अच्छा, तो पहले S1 ढूंढते हैं, S1 यानी ट्रेस ढूंढते हैं, ट्रेस यानी क्या, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसका एडिशन कर दो, तो 3 माइनस 1 2 के बराबर, ठीक है। S1 मिल गया, अब डिटर्मिनेंट ढूंढते हैं A का, तो कैसे ढूंढते हैं, तो हम ये डायगोनल पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस करके 4 2 8 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तब हम बोल देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है उसे हम ये थ्योरम से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल तो नॉट इक्वल टू 0 नॉन 0 आया है, इसलिए हम अब इसको वेरीफाई कराएंगे ये मैट्रिक्स को कैली हैमिल्टन थ्योरम के साथ। अगर 0 आया तो यहां से ही स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, ये एस वन और ए की वैल्यू इसमें रख दे तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर, एस वन कितना है 2 लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा लिख लिया, ठीक है। डिटरमिनेंट का आंसर कितना है, -11, तो -11 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसे मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, तो एकदम आसान है, क्या करेंगे, लैम्बडा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की जगह हम ये हमारा कॉन्स्टेंट जो दिया हुआ है वो रख देंगे, ठीक है। तो लैम्बडा की जगह ए रख देंगे, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म आती है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, लैम्बडा कांस्टेंट है तो उसकी जगह पे जो कांस्टेंट दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में वो रख देंगे, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो लैम्बडा की जगह ए रख दिया, लैम्बडा की जगह ए रख दिया कांस्टेंट टर्म के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 वो मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स फॉर्म का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम प्रूव कर देते हैं क्या कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, अगर हमने प्रूव कर दिया तो हम बोल देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है उसे हमने वेरीफाई कर दिया कैली हैमिल्टन थ्योरम से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम LHS लेंगे और इसकी LHS की वैल्यू हम 0 के बराबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे LHS लिख दिया मैंने, a² - 2a - 11i। अच्छा, अब ए स्क्वायर करना है, यानी ये ए इंटू ए करना है, तो ये मैट्रिक्स हम 2 बार लिखेंगे, तो ये मैट्रिक्स 2 बार लिख लिया, यानी ए इंटू ए क्या हो गया, a², ठीक है। माइनस तो -2 लिख दिया, ए कौन सा ये दिया हुआ है वो लिख लिया, -11। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 के लिए कितना होता है, 1 0 0 1 वो भी लिख दिया। अच्छा,
अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो पहले तो ये वाला ले लेते हैं फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 आ गया प्लस 2 4 8 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से पास वाला ले लेते हैं, 3 2 6 और ये -2 आ गया। उसी तरीके से ये वाला लेते हैं तो 4 3 12 आ गया, -4 आ गया। पास वाला लेते हैं, 4 2 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। अच्छा प्लस, अब ये क्या करेंगे, -2 को अंदर ले लेंगे तो प्लस बाहर आ जाएगा, -2 को अंदर लिया तो 3 2 -6 आ गया, -8 आ गया, -4 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस होके 2 हो गया। उसी तरीके से 11 को अंदर ले लो, -11 को अंदर ले लो तो प्लस प्लस आ जाएगा तो -11 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, एडिशन करना है। एडिशन करोगे कैसे, ये 17 -6 -11, ठीक है, ये 4 -4 + 0, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से हम एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो फाइनली क्या आंसर आ चुका है हमारा, 0। अब ये जो 0 आंसर है वो किसके बराबर है, वो RHS के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS = RHS, तो हम बोल देंगे कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे हमने वेरीफाई कर दिया कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 3x3 मैट्रिक्स के सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। तो यहां पे एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और वापस से सेम क्वेश्चन पूछा है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम इसके लिए। अच्छा अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो यही इक्वेशन यहां पे लिख दिया, λ³ - S1λ² = 0, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वापस से यहां पे हम S1 की वैल्यू ढूंढेंगे, S2 की वैल्यू ढूंढेंगे और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और जो भी आंसर आया ये तीनों का, S1, S2 और डिटरमिनेंट ऑफ A, वो इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले तो S1 ढूंढते हैं। S1 को हम क्या बोलते थे, ट्रेस बोलते थे। ट्रेस कैसे ढूंढते थे, हमने बोल दिया था एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन से है, तो ये रहे हमारे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इसका एडिशन करो जो ट्रेस बन जाएगा, S1 बन जाएगा, तो 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब S2 की बात करते हैं। अब S2 कैसे ढूंढे, तो S2 का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कौन सा, m11 + m22 + m33, यानी क्या समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम m11 बोल देंगे, ये m12, ये m13, ठीक है, ये m21, ये m22, तो ये m22 हो गया, ठीक है। अच्छा m23, फिर m31, m32, m33, तो ये हो गया हमारा m33। अब एक्चुअल में क्या करना है हमें वो देख लेते हैं। m11 की बात करें, m11 की, तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम ढक देंगे, ऐसे कुछ ढक देंगे, बचा क्या 1 0 1 2 1 0 1 2, ये क्या हो गया हमारा m11, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से m22 की बात करें, तो क्या करेंगे, ये जो 1 है ऐसे और ऐसे ढक देंगे तो बचे क्या 2 1 और नीचे 1 2 2 1 1 2। M23 की बात करें तो क्या करें, सॉरी M33 की बात करें तो ये वाला एलिमेंट आएगा, तो ये यहां और ये ढक देंगे, तो ढक देंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 1 0 1, ठीक है, ये वाला इतना पोर्शन हमें दिखेगा, 2 1 0 1 2 1 0 1, ठीक है। अच्छा अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये हो गया 2 और ये -0, ये हो गया 2 2 4 - 1, ये 2 1 2, ये -0, बस। तो आ गया S2 का आंसर 7 के बराबर। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट कैसे ढूंढते हैं, 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये 2 - 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर 0 - 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस साइन लगाएंगे, ये 0 - 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब ये जो तीन वैल्यू है S1, S2 और डिटरमिनेंट ऑफ A, ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो λ³ आ जाएगा, -S1 की जगह 5 लिख देंगे तो 5 λ² S2 की जगह 7 लिख देंगे तो 7 λ, माइनस डिटरमिनेंट कितना आया 3 के बराबर, = 0। अब ये कौन सा हो गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया हैमिल्टन थ्योरम के लिए, 3x3 मैट्रिक्स के लिए। हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना होगा, इसे हमें मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। पिछले न्यूमेरिकल में कैसे किया था, तो सिंपली जो लैम्ब्डा था हमारा, जो कांस्टेंट था, उसे हम ए के बराबर बोल देते थे, यानी लैम्ब्डा की जगह ए रख देते थे, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म आती थी, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम वे यहां पर भी करेंगे, लैम्ब्डा की जगह ए रखेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, -5A² + 7A - ये कांस्टेंट टर्म है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, -3A
इक्वल्स टू जीरो। बस अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो हमारी एल एच एस साइड है वो किसके बराबर होनी चाहिए, आर एच एस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एल एच एस साइड ले लेते हैं, तो ये हो गई हमारी एल एच एस साइड। ठीक है, ये एल एच एस साइड हम किसे किसके बराबर प्रूव करेंगे, ये एल एच एस साइड जो है वो हम जीरो के बराबर प्रूव करेंगे, तभी बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स वेरीफाई हो गया टैली हैमिल्टन थ्योरम से। ठीक है, अच्छा तो एल एच एस ले लिया, इसका आंसर जीरो हमें लाना है। ठीक, तो कैसे करें, पहले तो यहां पे ए है तो ए तो दिया हुआ है, ए स्क्वायर नहीं है हमारे पास तो ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ये ए इंटू ए जो पिछले न्यूमेरिकल में किया था, ए इंटू ए, तो जो भी आंसर आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आंसर फाइंड करते थे, तो ये फर्स्ट रो लिया हमने और ये फर्स्ट कॉलम लिया। ठीक है, ये कितना हो गया, टू टू जा फोर, ठीक है, जीरो प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव आ गया। फिर बाद में नीचे जाएंगे, ठीक है, सो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो आ गया। वापस एक और नीचे जाएंगे तो ये टू, ये जीरो, टू टू, ये टू, तो टू प्लस टू फोर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब इसके लिए भी आप करोगे तो ये आंसर आएंगे, इसके लिए करोगे तो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर मिल चुका है हमें, अब क्या है दूसरा, ए क्यूब है। तो ए क्यूब कैसे फाइंड करें, सिंपल वे, ए स्क्वायर इंटू ए करोगे तो ए क्यूब मिल जाएगा। ए स्क्वायर क्या है, ये रहा तो ये लिख दिया, ए कौन सा है हमारा, ए ये रहा दिया हुआ मैट्रिक्स तो वो लिख दिया, वापस से मल्टीप्लीकेशन किया तो किसका आंसर मिल गया, ए क्यूब का आंसर मिल गया। तो ए क्यूब का भी आंसर हमें मिल चुका है, ए तो दिया हुआ है, आई क्या है, आई थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जीरो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, तो सारी वैल्यू अब इसमें हम रख देंगे। ए क्यूब है तो यहां पे ए क्यूब लिखा है हमने, कौन सा, ये रहा ए क्यूब, तो ये पूरा ए क्यूब यहां आ गया। ठीक है, माइनस साइन फाइव एज इट इज, ए स्क्वायर कहां है, ये रहा ए स्क्वायर, तो ये पूरा ए स्क्वायर यहां लिख दिया। ठीक है, प्लस साइन प्लस सेवन, ए कौन सा है, ए जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में वो, तो वो पूरा लिख लिया। ठीक है, माइनस साइन माइनस लिख लिया, थ्री लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके लिए, थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स के लिए, वो भी लिख दिया, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये माइनस फाइव को अंदर रख देंगे तो बाहर प्लस आ जाएगा, माइनस फाइव को अंदर रखा तो ये माइनस ट्वेंटी फाइव, ये माइनस ट्वेंटी, ये माइनस ट्वेंटी, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से सेवन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो सेवन टू फोर्टीन, ये सेवन सेवन, ऐसे हो गया प्लस। ये माइनस थ्री को अंदर जाने दिया तो प्लस आ गया, माइनस थ्री अंदर गया तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब तो सिंपल एडिशन करेंगे, कैसे करेंगे, ये फोर्टीन माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस फोर्टीन माइनस थ्री। ठीक है, उसी तरीके से सारे एलिमेंट्स ऐसे लिख देंगे तो क्या आंसर जाएगा, जीरो 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 आ जाएगा। यानी हमने एल एच एस से शुरुआत करी थी, एल एच एस का आंसर किसके बराबर आ गया है, जीरो के बराबर, यानी वो किसका आंसर है, आर एच एस का आंसर है। तो यहां पे हम बोल देंगे कि एल एच एस और आर एच एस सेम है, यह हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये जो कैली हैमिल्टन थियरम है हमने इस दिए गए मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई करा दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा ये थ्योरम की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।